जगदीशपुर प्रखंड के जगदीशपुर पंचायत का दौरा कर रहे हैं अभी हम, और हमारे साथ अभी मौजूद हैं एक मुखिया प्रत्याशी के प्रतिनिधि, उनके पति प्रदीप महतो जी। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर किस मुद्दों पर ये इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या क्या विकास कार्य है जो ये अपने कार्यकाल में करवाएंगे, और इनको इनके समाज में किस प्रकार से समर्थन मिल रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है प्रदीप जी सिल्क टीवी पर। मेरे समाज में ये शिक्षा की कमी है, शिक्षा के कमी के चलते हम ये लक्ष्य उठाए हैं कि हम ये एक प्रतिनिधि बन करके हम शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। रूबी देवी कैंडिडेट है, आपकी पत्नी है, आप प्रतिनिधि हैं, और चुनाव प्रचार प्रसार आप ही संभाल रहे हैं, आप ही देख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या हवा है, कैसा आपके समाज का रूल है, रुतवा है, क्या कह रहे हैं यहाँ के जनता, यहाँ की युवा का क्या कहना है, किस प्रकार से मत का बंटवारा होगा? हमारे गांव में जो हमको सारे समाज मिलकर खड़ा किया है, ये वहाँ पर हम लोग 1437 वोट हैं, और उस हिसाब से अगल बगल का गांव जो है मेरे पंचायत के अंदर है वो साथ दे रहे हैं, हम जीतेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु का नहीं सवाल है। देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव होता है, या फिर कहें तो राज्यसभा चुनाव या बड़ा बड़ा चुनाव भी, हर एक चुनाव में कहीं ना कहीं जाति और समुदाय एक अहम किरदार निभाता है, अहम रोल निभाता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में, खास करके बिहार में, जाति का जो मोल भाव होता है, जाति को लेकर जो प्रक्रिया तय की जाती है, जो राजनीति होती है, क्या लगता है आपको कि आपके क्षेत्र की जनता विकासशील कैंडिडेट को देख के वोट देगी या फिर जात और समुदाय को लेकर बट जाएगी? नहीं, विकासशील कैंडिडेट के देख के हमको वोट देंगे। जाति तो हमारे गांव में 6 जाति से हैं, लेकिन जाति से वहाँ कोई मतलब नहीं है, विकास देख करके वो वोट देंगे। और आप बताइए, आप चूंकि जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवा भी करते हैं, आप इस बार आप अपना किस्मत भी आजमा रहे हैं, क्या लगता है आपको, जो आपके पुराने जनप्रतिनिधि थे, जो पुराने मुखिया थे, या कहें जो अभी वर्तमान में आपके मुखिया हैं, उनके द्वारा किया गया पिछले 5 साल के कार्य को आप कैसे आंकते हैं? क्या वो अपने कार्य में सफल रहे या फिर उन्होंने जनता को झांसा दिया? कार्य में वो सफल रहे, इसलिए कि उनसे जनता और जो माननीय मुखिया जी थे उसके बीच में कभी मेल मिलाप नहीं रहता। कोई भी कार्य होता था, एक सिग्नेचर के लिए 15 दिन तक दौड़ना पड़ता था। इस कारण से यहाँ की जनता उनसे नाखुश है। और विकास कार्य कैसा रहा, मतलब कि जनता के बीच में रहकर उन्होंने काम नहीं किया, कोई से किसी काम को लेकर यदि जनता को मुखिया जी की जरूरत पड़ती थी तो मुखिया जी भेंट नहीं देते थे, पर विकास कार्य कैसा रहा, सरकारी योजना जैसे जल नल योजना, 7 निश्चय, इन सभी चीज़ों का कैसा कार्य रहा आपके क्षेत्र में? जल नल योजना तो ये अभी अंतिम चरण में शुरू किया है, और बाकी विकास का काम रहा था, विकास वो तो मंत्री मतलब मुख्यमंत्री जी ही 7 निश्चय का जो योजना का काम दिया है उसी से विकास हुआ है, बाकी इसमें मुखिया जी का कोई हमको नहीं लगता है कि रोल है। अच्छा, यदि आपको आपकी जनता का मत मिलता है, आप पर लोग यकीन करते हैं और आप आने वाले चुनाव में जीतते हैं, तो ऐसा कौन कौन सा मुद्दा होगा, ऐसा कौन कौन सा क्षेत्र होगा जहाँ आप खास करके विशेष ध्यान देंगे और वहाँ विकास करवाएंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, नाला, पानी, शुद्ध पेयजल, खास करके जो बड़ी समस्या है ग्रामीण क्षेत्र में, आप इन सभी में से कौन से ऐसे क्षेत्र में सबसे विशेष ध्यान देंगे? मेरा जोगी वीर सबसे शिक्षा में कमी है, उसको शिक्षा में आगे करेंगे। उसके बाद एक हम लोग पटवन का वो व्यवस्थित है जो कि कृषि संबंधी हम लोग आते हैं, कृषि से ही मेरा हम लोग का जीवन उपार्जन होता है। उस नदी नहर का जो एरिया है उसको हम लोग सबसे पहले ठीक करेंगे, उसके बाद शिक्षा में ठीक करेंगे। प्रदीप जी, आप चूंकि खुद भी युवा हैं और युवाओं का समर्थन पंचायत चुनाव में मायने रखता है, कहा जाता है कि युवा यदि आपके साथ हैं पंचायत चुनाव में तो कहीं ना कहीं आपकी जीत निश्चित है। आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान भी आप कर रहे हैं, क्या लगता है आपको आपके क्षेत्र की युवा का रुझान किस ओर है, और वो आपको यदि वोट देगी तो आपके अंदर ऐसी कौन सी खूबी है या आपने क्या वादा किया है जिसे देखकर वो आपको अपना मत देगी? हम अपने युवाओं को एक पटवन और शिक्षा ये वादा दिए हैं कि ये इसको हम दुरुस्त करेंगे। जल नल योजना तो ये होगा ही, क्योंकि एक मुख्यमंत्री का योजना है, इसको तो लागू करना ही होगा। और उसके बाद ये छोटा छोटा वर्क है, इसमें कहीं कोई बाधा नहीं होगा, न किसी से 1 रुपया पैसा लिया जाएगा। अच्छा, और एक जो समस्या होती है प्रदीप जी,
मुखिया बन जाने के बाद पहले तो कोई भी राजनीतिज्ञ या फिर नेता जनप्रतिनिधि वादों का अंबार लगाते हैं। चुनाव से पहले प्रकार प्रकार के वादे होते हैं और चुनाव के बाद उन सभी चीज़ों की सच्चाई जनता के सामने आती है। जो सबसे अहम बात है और जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि बिचौलियों का होना, नेता और जनता के बीच में बिचौलियों का होना। आपका चुनाव चिन्ह भी पुल है, तो जनता और नेता के बीच में एक पुल का होना बहुत ही जरूरी है, जिससे यदि जनता को कोई प्रकार की समस्या हो तो वो अपने जनप्रतिनिधि से मिल सके, उनसे अपनी समस्या बता सके। तो बिचौलियों द्वारा गबन किया जाता है, पैसा लिया जाता है, राशन कार्ड बनवाने के नाम पे, वृद्धा पेंशन के नाम पे, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिलाने के नाम पे। ये आपके भी पंचायत में हो रहा है और हर एक पंचायत में होता है। लगभग पिछले 2-3 महीने से हर पंचायत का दौरा कर रहा हूँ मैं। क्या लगता है आपको, यदि आप मुखिया बनते हैं तो इन बिचौलियों का पत्ता साफ होगा या फिर आप भी कहीं ना कहीं उस जाल में फंस जाएंगे, लिपट जाएंगे? नहीं, मैं मुखिया बनूंगा तो कोई बिचौलिया इसमें नहीं रहेंगे। जो भी काम होगा, ये जो छोटा छोटा वर्क बताया जैसे इंदिरा आवास, ये वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इस सब में कहीं कोई 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। और जो भी योजना होगा उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, एक बात आप बताए कि जाति और समुदाय को देख के आपके समाज में वोट का बंटवारा नहीं होता है। जाति और समुदाय को देखकर वोटर वोट नहीं करते हैं, विकासशील कैंडिडेट को देखकर वोट करते हैं। चलिए, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जाति समीकरण नहीं होता है, होता है, कम होता होगा। यहाँ दारू और मुर्गा का कहाँ तक हाथ है वोटरों को बांटने में, या फिर पंचायत चुनाव में दारू और मुर्गा से वोटर कितना बंटते हैं? दूसरा कैंडिडेट देता होगा, लेकिन मैं तो खुद मतलब निरामिष हूँ। मैं दारू और ये मेरे पूर्वज जो भी पिताजी हैं, दादाजी हैं, भाई जी हैं, वो न मांस मछली खाते हैं, न दारू शराब पीते हैं, इसलिए इस चीज़ से मैं तो स्वयं दूर हूँ। दूसरा नहीं, आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं ना, जनता कहीं ना कहीं आपसे डिमांड करती होगी कि दारू मुर्गा चाहिए या कुछ कैश चाहिए, तो क्या लगता है आपको कितना परसेंट आपके समाज में ऐसा जनता है जो इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं अपने वोट को बेच देते हैं? डिमांड तो करते हैं, डिमांड करते हैं, और हमको लगता है कि वो 50% डिमांड करते हैं ऐसा कि ये चीज़ चाहिए, लेकिन हम हाथ जोड़ लेते हैं, हमको ये नहीं होगा, इससे हमको नहीं चाहिए ऐसा वोट हमको। अच्छा, कौन सी ऐसी योजना रही, हालांकि सरकार अनेकों योजनाएं लाती है ग्रामीण क्षेत्र में विकास करने के लिए, मुखिया, पार्षद और वार्ड मेंबर, इन सभी को ग्रामीण क्षेत्र के विकास का जिम्मा होता है, जिम्मेदारी इनकी होती है। आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा योजना सरकार का रहा जो पिछले 5 साल में काफ़ी सफल रहा, जिनका लाभ यहाँ के लोगों को मिला, जनता को मिला? कोई एक योजना आप बताएं यदि आपके ध्यान में है तो, या कुछ ऐसा काम सरकार द्वारा जिसका लाभ जनता को मिल रहा हो, जैसे शुद्ध पेयजल जल नल योजना के तहत घर घर जल पहुँचाया गया, वैसे ही किसी एक योजना के बारे में आप जानकारी दें। वो है सात निश्चय योजना। सात निश्चय योजना से पब्लिक को लाभ हुआ है, बाकी जल नल योजना हमारे पंचायत में अभी चालू नहीं हुआ है, लेकिन इसका कार्य जा रही है। 5 साल का समय बीत चुका है, अब जो कार्य जारी है वो चुनाव के बाद ही होगा। हालांकि देखा ये जाएगा कि पिछले 5 साल में मुखिया जी द्वारा कितना विकास किया गया, प्रकार प्रकार के कैंडिडेट हैं, प्रकार प्रकार के प्रत्याशी हैं। लेडीज सीट रिजर्व होने के कारण जगदीशपुर पंचायत में महिलाओं की दावेदारी है, चुनाव लड़ा जा रहा है, जनसंपर्क अभियान किया जा रहा है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप अपने वोटरों से, अपने युवाओं से अंतिम सवाल है, क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे सिल टीवी के माध्यम से? हम वोटरों से अपील करेंगे कि हमको भारी बहुमत से जिताएं, और जीतने के बाद कोई भी घूस या कोई भी पैसा कहीं कोई कार्य में नहीं लिया जाएगा। मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ आप एक तरीके का आंदोलन चला रहे हैं, और भ्रष्टाचार के खिलाफ आपके मतलब मुखिया बनने के बाद कार्य होगा आपके क्षेत्र में। ये तो प्रदीप जी, इन्होंने बताया ये मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि हैं, मुखिया प्रत्याशी इनकी पत्नी रूबी देवी हैं, लगातार जनसंपर्क अभियान यही चला रहे हैं, जनता से मिलना, उनको समझाना, वोटरों से वोट देने की अपील करना, ये सभी यही देख रहे हैं। इन्होंने बताया कि इनके क्षेत्र में जो पिछले मुखिया थे उनके द्वारा किया गया कार्य अशोभनीय है, उस प्रकार से यहाँ की जनता संतुष्ट नहीं है। पर इन्होंने ये भी बताया कि इनके कार्यकाल में बिचौलियों का पत्ता साफ होगा, इनके कार्यकाल में भ्रष्टाचारियों का पत्ता साफ होगा। पूरे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, हर एक पंचायत में हम जा रहे हैं, आपको हर एक प्रत्याशी की बातों से रूबरू करवा रहे हैं, जो मुद्दा है पंचायत में, किन बातों को लेकर वोट का बंटवारा होगा, क्या देखकर जनता यहाँ के कैंडिडेट को वोट देगी, इन सभी चीज़ों पर हम नज़र डालते हैं, आपको दिखाते हैं।
यदि ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यदि इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।